वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस न्यू वीडियो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स तो लेट्स स्टार्ट डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन व्हिच यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस तो क्या आपको डाइजेशन सर्कुलेशन रेस्पिरेशन इन प्रोसेस के नाम के बारे में पता है इनके जो फंक्शन है हमारी बॉडी में क्या आपको ये पता है आपने प्रीवियस क्लासेज में इनके बारे में पढ़ा था तो आप जरूर इनके बारे में समझते होंगे तो डाइजेशन क्या है डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द बॉडी तो इट इज़ रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन। सर्कुलेशन इज द ट्रांसफर एंड मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एज न्यूट्रियट्स वाटर वेस्ट्स गैसेस ऑल ओवर द बॉडी एंड रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच गैसेज आर टेकन अप एंड देन यूटिलाइज बाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन वॉट हैपन्स ऑक्सीजन इज यूज एंड एनर्जी इज रिलीज वेयर इज इन एन एरोपिशन ऑक्सीजन इज नॉट यूज बट एनर्जी इज जनरेटेड तो इस तरह से डाइजेशन सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन के बारे में जो बेसिक है वो आपको बताया गया था प्रीवियस क्लासेस में उसी तरह से आपको ये पता है कि ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये लाइफ के लिए आवश्यक होते हैं और हर इंडिविजुअल को ज़िंदा रहना है तो डाइजेशन सर्कुलेशन रेस्पिरेशन करेगा ठीक उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन भी एक एजेंशियल प्रोसेस है लाइफ के लिए ठीक है ना इट इज़ ऑल्सो एजेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ और ये ऐसा प्रोसेस है जिससे स्पीशीज़ जो है वो कंटिन्यू करती है मतलब इस धरती पर बनी रहती है जैसे हम एक एग्जाम्पल लें ह्यूमन बींग्स का तो ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पर आप देख रहे हो बने हुए हैं आगे भी सौ साल बाद दो सौ साल बाद बने रह सकते हैं हजारों साल तक बने रह सकते हैं तो ऐसा वो क्यों कर सकते हैं बिकॉज़ वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे ही प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो हम जिनको हम देखते हैं जैसे बरगद का पेड़ है पीपल का पेड़ है ऐसे ही एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं डॉग है काओ है लॉइन है दे कैन रिमेन ऑन अर्थ जस्ट बिकॉज दे रिप्रोड्यूस अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो स्पीशीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकती और वो कैसी हो जाएगी स्पीशीज़ हो जाएगी एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगी विलुप्त हो जाएगी धरती से इसीलिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़रूरी होता है तो इमेजिन वॉट वुड हैपन if organisms हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड इट मीन्स दे विल द स्पीशीज विल बिकम extinct तो इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये सिमिलर uh, काइंड के जो इंडिविजुअल होते हैं जो स्पीशीज होती हैं उनके कंटिन्यूएशन के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको धरती पर बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक इसमें सबसे पहले मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो इसमें आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ट्राई टू नेम सम ऑफ बाई कम्प्लीटिंग टेबल नाइन पॉइंट वन शोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर वन एंड फाइव तो जस्ट लुक यहाँ पर आपको दिखाया गया है टेबल 9.1 पॉइंट वन टेबल नाइन पॉइंट वन में आपको दो एग्जाम्पल सॉल्व किए गए हैं वन और फाइव वन में ह्यूमन के यंग वन का नाम बताया गया है तो इसको हम बेबी कहते हैं और फाइव में हेन के यंग वन को कहा गया है चिक ऐसे ही आपको पूछा गया है कि अलग अलग एनिमल्स के यंग वंस का नाम क्या होता है जैसे कैट है कैट के यंग वन को हम क्या कहते हैं तो इसको हम कहते हैं किटिन के आई टी टी ई एन तो यंग वन ऑफ कैट इज कॉल्ड एज किटिन इस पपी इज द यंग वन ऑफ डॉग तो ये दो नाम आप नोट कर लीजिए इसके बाद बटरफ्लाई के यंग वन को हम कहते हैं कैटरपिलर कैटरपिलर ठीक है ना यू कैन सी द नेम हियर आल्सो यहां पर ये यह नाम यहां पर है ठीक है ना किटिन नाम पपी तो काओ के यंग वन को हम क्या कहेंगे काओ के यंग वन को हम बोलेंगे काफ एल एफ और फ्रॉक के यंग वन को हम क्या बोलेंगे टैड पोल तो अलग अलग एनिमल्स के जो यंग वंस हैं उनको अलग अलग नाम हम देते हैं तो अब आपसे यहां पर पूछा गया है कि कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉन्ड हाउ आर किटन्स एंड पपीज बॉन्ड डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुकड द सेम बिफोर देवर बॉन्ड एज दे डू नाव तो क्या आपको लगता है कि ये जो किट्स जो किटिन हैं कैटरपिलर हैं चिक्स हैं पपीज हैं क्या ये जैसे जब ये बॉन्ड हुए थे दिखाई देते थे वैसे क्या ये आज भी दिखाई देते हैं तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं ठीक है ना तो इसका जवाब आप अपनी नॉलेज के बेसिस पर दे सकते हैं जस्ट एज इन प्लांट्स देर आर टू मोड्स बाई विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये लर्न करेंगे कि एनिमल्स के जो रिप्रोडक्शन है उसके कौन कौन से मोड्स होते हैं तो दो मोड होते हैं जिससे एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब स्टार्ट करते हैं ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लाट्स विच यू हैव स्टडी क्लास सेवन में आपने प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ा था इसको ज़रा याद करने की कोशिश करो यूलबर दैट प्लाट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो आपको पता चलेगा आपको ध्यान आएगा कि जो प्लांट्स हैं जो सेक्सुअल रिपोडक्शन करते थे उनके पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स होते थे तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिपोडक्टिव पार्ट्स की हेल्प से ही यह रिप्रोडक्शन हो पाता था तो क्या आप उनके नाम बता सकते हैं उन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि प्लांट्स में फ्लावर में एंथर होता है विच इज एसोसिएटेड विद मेल पार्ट और एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं पॉलिन ग्रेन्स ओके और थोड़ा डिटेल में जाए तो मेल पार्ट में आपको पता होगा प्लांट में मेल पार्ट में एंथर और फिलामेंट 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 के टॉप पर क्या होता है एंथर और ये दोनों किसका पार्ट होते हैं ये दोनों पार्ट होते हैं स्टेमिन का

दिस इज द कार दिस इज कार्पल जिसमें ओवरी स्टाइल और स्टिक्मा ये पार्ट होते हैं कौन कौन से पार्ट है दोबारा मैं नाम लिखता हूं इनके स्टिकमा स्टाइल एंड ओवरी दिस इज ओवरी दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिकमा सो दीज आर दार्ट ऑफ कार्पल और पिस्टिल पिस्टिल या तो ये नाम होते हैं बच्चों फीमेल पार्ट के तो हम शॉर्ट में अगर याद रखें तो मेल पार्ट को हम क्या कह सकते हैं स्टेमिन और फीमेल पार्ट को कह सकते हैं कार्पिल और पिस्टल तो <clears throat> लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स तो आपने पिछले साल पढ़ा था कि गैमिट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है गैमिट्स का फॉर्मेशन प्लांट्स में एंथर के अंदर जैसे ग्रेन बनता है तो उसमें गैमिट्स होते हैं है ना और ओवरी के अंदर जो एग होता है दैट इज आल्सो ए गैमिट तो इन गैमिट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है हुँ? तो एनिमल्स में भी गैमिट के फॉर्मेशन से जयगोड बनता है इट इज दाइगोट विच डेवलप्स इंटू ए न्यू इंडिविजुअल तो जब गैमिट्स आपस में फ्यूज करते हैं और जब जाइगोड बनता है तो जाइगोड के डेवलपमेंट से ही एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिपोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है इट इज़ अ रिप्रोडक्शन एंड विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स टेक प्लेस और उसके बाद फिर जो जाइगोड बनता है उससे एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है तो लेट अस नाउ फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम तो आओ अब हम पढ़ते हैं जो ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनके बारे में और जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कैसे होता है ह्यूमन्स में तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चों अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट द मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आप अगला वीडियो देखिएगा इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू